यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं थोड़ी बहुत एनीमे अपडेट्स के बारे में, जिनको सुनकर आपको काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की ओर। तो हमारी पहली अपडेट है पोकेमॉन की तरफ से, क्योंकि नचिकेत डीके सर ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो पोकेमॉन की नई सीजन का डब कर रहे हैं। इन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी और वहां पर कंफर्म करके लिख दिया कि वो पोकेमॉन का काम कर रहे हैं। और इस पोस्ट के आ जाने के बाद काफी लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये पोकेमॉन सीजन 18 की डबिंग हो सकती है, जो कि पोकेमॉन एशिया हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आ सकती है, क्योंकि उस चैनल पर पोकेमॉन सीजन 17 जो XY है वो बहुत तेजी से चल रही है। और काफी लोगों का कहना है कि पोकेमॉन कैलोस क्वेस्ट की हिंदी डब भी वहीं पर आएगी, क्योंकि डिज्नी चैनल से लोगों का काइंड ऑफ विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम से डिज्नी चैनल ने कोई पोकेमॉन की नई सीजन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। हालांकि मैं चाहूंगा पोकेमॉन सीजन 18 जो है वो डिज्नी चैनल पर आ जाए, क्योंकि टीवी पर उसे देखने का अलग ही मजा आएगा, पर वक्त ही बताएगा कि ये डबिंग एक्चुअली किस चीज की हो रही है। इसके बाद बड़ी डैडीज की एनिमे अब क्रंचीरोल पर स्ट्रीम कर रही है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकती हो। इसके बाद हमारी अगली अपडेट फिर एक बार पोकेमॉन के बारे में है, यानी कि क्या हो रहा है यार, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि वो पोकेमॉन की एक नई सीरीज बनाने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है पोकेमॉन कॉन्ट्रेज, और इसका एक टीजर भी बाहर निकाला गया है, तो आप उसे देख सकते हो। तो बेसिकली ये एक स्टॉक एनिमे टाइप होगी, यानी कि एक मिनी सीरीज टाइप ये लोग दिखाने वाले हैं अलग एनिमेशन के साथ। तो यहाँ पर कोई मेजर चीज नहीं होने वाली, बस एक पोकेमॉन की मिनी सीरीज है नाम की ये लोग बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो फिर कभी, अगर ये जब भी आएगी तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद फायरफॉक्स सीजन 2 की हिंदी डब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसका हिंदी डब बहुत ही जल्दी क्रंचीरोल पर हमें देखने को मिल सकता है, और इसे खुद वॉइस एक्टर ने कंफर्म कर दिया। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, और हाँ मैं आपको बता दूँ ये स्क्रीनशॉट 100% एक्यूरेट है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा झोल नहीं है कि यार ये सही है या फेक है, नहीं, इन्होंने खुद बोला कि यहाँ ये आने वाली है और ये ट्रस्टेड सोर्स से आई है, यानी कि सस्ता तांजीरो बहुत अच्छे ये हमारे, उन्होंने ये हमें बताया, सो थैंक यू सो मच। इसके बाद गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ये अपडेट्स पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा छोटा सा काम कर देना। हम 100K की कम्युनिटी बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। और इसी के साथ हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हो, जहां पर हम छोटी मोटी अपडेट्स देते हैं, तो प्लीज इतना छोटा छोटा काम मेरा कर दो प्लीज। और चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मोहित सिन्हा सर जो है वो शायद से फैन से नाराज है, या फिर गुस्सा है, या परेशान है, मैं नहीं जानता। तो मोहित सिन्हा सर को हम जानते हैं, वो काकाशी का रोल प्ले करते हैं नारुतो के हिंदी डब में। तो नारुतो एक तो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है, इसका अंदाजा आपको मेरी वीडियो से ही आता होगा, कितने लोग नारुतो के क्वेश्चंस हर दिन पूछते रहते हैं। और अगर आप नारुतो जैसे सीरीज में एक काम कर रहे हो, यानी कि एक मेन कैरेक्टर का काम कर रहे हो, तो आपके पीछे लोग आने ही आने हैं। और यही सेम चीज मोहित सिन्हा सर बेचारे के साथ हो रही है, क्योंकि उनको काफी लोग हर दिन क्वेश्चन करते जा रहे हैं कि सर नारुतो के बारे में हमें बताइए, नारुतो कहां तक डब हुआ है, कब आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इतने सवालों के बाद मोहित सिन्हा सर ने गिव अप कर दिया, और उन्होंने एक स्टोरी डाली कि भाइयों बहनों, मैं एक वॉइस एक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पर फिर भी नारुतो के अलावा मुझे दूसरे सवाल भी पूछो, क्योंकि मैं दूसरा काम भी करता हूँ यार। मैं जानता हूँ नारुतो को आप बहुत पसंद करते हैं, मैं खुद करता हूँ, पर फिर भी प्लीज़ बाकी सवाल भी पूछो। तो देखो यार, मोहित सिन्हा सर को हम हेट नहीं करते, बट वी एक्चुअली लव मोहित सिन्हा सर, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी डबिंग की है काकाशी की। एंड यार, नारुतो को जब हम नहीं देखते उसके नए एपिसोड्स, तो दिल से बुरा लगता है, और हम सर से यही उम्मीद करते हैं कि सर हमें कुछ ना कुछ बताएंगे। बट फिर भी गाइस, मोहित सिन्हा सर को दूसरे क्वेश्चंस भी पूछो, क्योंकि ही इज अ फंटास्टिक वॉइस एक्टर। आप उनके दूसरे काम चेकआउट करो, आपको लिटरली मजा आ जाएगा देखकर। तो यार, सर को नारुतो के पीछे मत भगाओ, और दूसरे सवाल भी पूछो, वरना सर को भी एक पॉइंट पर नारुतो का फटी हो जाएगा कि सब लोग वही सवाल पूछते हैं यार, कुछ अलग नहीं करते। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। और आगे चलकर बात करते हैं प्रसाद भरवे सर के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वन पीस की डबिंग हो रही है या नहीं हो रही, और मेरे उस वीडियो के जाने के बाद बॉयज एक्टर्स के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ, और उसके बाद प्रसाद भरवे सर ने एक ऑफिशियल स्टोरी लगाकर कह दिया कि नहीं भाई, मैं वन पीस में हिंदी डब नहीं कर रहा, और अगर मैं करता होता तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो इस स्टोरी के आज जाने
के बाद काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सर ने ये जानबूझकर कहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई यू नो वॉइस एक्टर कोई नई सीरीज को डब करता है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की जाती है, जहां पर उसे स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि जब तक वो चैनल उसका कोई प्रोमो या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना कर दे तब तक वॉइस एक्टर इस बात को कहीं पर भी रिवील नहीं कर सकती। तो इस वजह से शायद यू नो प्रसाद बर्वे सर इसको डिनाई कर रहे हैं। ये सेम चीज हमने ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी की हिंदी डब के टाइम भी देखी थी। मैं खुद नेशमा मैम और अंकुर सर के साथ बहुत बातें कर रहा था उस पॉइंट पर, और ये लोग ने मुझे बताया तक नहीं था कि ये लोग डब कर रहे हैं, और अचानक एक दिन पर यू नो अनाउंसमेंट हो गई कि यार ये मूवी हरी है। हमने कैंपिंग एक्सेट्रा बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर सुमड़ी में वो लोग डबिंग कर रहे थे पर भी उन्हें बताया नहीं। तो ऐसा होता है, तो हो सकता है कि वन पीस की डबिंग चल रही हो और प्रसाद बर्वे सर इसको सीक्रेट रख रहे हैं, और अचानक इसका जब प्रोमो आ जाएगा तब प्रसाद बर्वे सर बोलेंगे इट वॉज मी ऑल अलॉन्ग। तो देखते हैं क्या होता है। सो मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि वन पीस हाइप पकड़ रही है। ये सेम चीज़ हमने इंडिया में नारुतो के साथ देखा था, जब नारुतो की अनाउंसमेंट तक नहीं हुई थी और हम वीडियोस बना रहे थे और उस पर लोग बहुत एक्साइटेड थे नारुतो की हिंदी डब को लेकर के, और यही सेम चीज़ हम अब वन पीस के साथ देख रहे हैं। और इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि वन पीस जब भी कभी आएगा तो भाई वो क्रेजी हाइप पकड़ने वाला है और काफ़ी सारे यू नो टीआरपीस तोड़ने वाला है। तो मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, पर हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ इस वीडियो को लाइक करने के बाद और सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बस बाय टाटा नमस्ते सलाम एंड की वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स। बाय बाय।